मुरादाबाद में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सरगर्मियां भी देखी जा सकती है। मुरादाबाद में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का आज जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। शहर के मुख्य बाजारों में आज डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पहुंचकर सभी व्यापारियों से बातचीत की और भाजपा के हक में वोट करने की अपील की। इस दौरान व्यापारियों द्वारा फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया। डिप्टीगंज चौराहे से शुरू होकर जनसंपर्क कार्यक्रम इम्पीरियल तिराहे पर जाकर सम्पन्न हुआ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रचार को तेज कर दिया है। शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शहर के मुख्य बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से जनसंपर्क किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के हक में वोट करने की अपील भी की। इस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा का व्यापारियों ने फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा डोर टू डोर प्रचार के लिए पहुंचे तो मुरादाबाद की जनता ने उनका स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया। उप मुख्यमंत्री के पीछे बड़ी तादाद में उत्साही लोग नारेबाजी करते चल रहे थे और दिनेश शर्मा लोगों को पार्टी उम्मीदवार के पर्चे देकर वोट की अपील कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद के गंज गुरहट्टी चौराहे से प्रचार शुरू किया और पैदल लगभग 2 किलोमीटर चलते हुए हाईवे के इंपीरियल तिराहे पर पहुंचकर प्रचार खत्म करते हुए संभल के लिए रवाना हो गए। क्या नाम है महेश जी? मोदी जी का तो काम मिला कि नहीं मिला? आप लोग बच्चों को पढ़ा रही हो? योगी मोदी। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान नगर विधायक रितेज गुप्ता, मुरादाबाद देहात विधानसभा से प्रत्याशी के मिश्रा, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, भाजपा के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, भाजपा युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे, मुरादाबाद भाजपा प्रभारी वाईपी सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने फूलों की वर्षा के साथ उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उप मुख्यमंत्री ने कई स्थानों पर रुककर व्यापारियों से बातचीत भी की। उप मुख्यमंत्री के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय डिप्टी CM आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आज गंज गुरहट्टी से इम्पीरियल तक जनसंपर्क का कार्यक्रम था। बहुत हर्षोल्लास के साथ मुरादाबाद के व्यापारियों ने उनका स्वागत किया और मुरादाबाद के व्यापारियों ने प्रण लिया है कि अब की बार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उत्साह तो आप लोगों ने भी देखा, आप लोग लगातार साथ चल रहे हैं, तो भव्य स्वागत, ऐतिहासिक स्वागत यहाँ के व्यापारियों द्वारा डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का किया गया है और निश्चित रूप से 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी।